हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर फोर्थ टॉपिक, व्हाट इज कॉलोनियल। इन प्रीवियस वीडियो मींस टॉपिक नंबर 3, आई एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ द जेम्स मिल वर डिवाइड्स द इंडियन हिस्ट्री इन 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। बट देर वर अ प्रॉब्लम इन दिस पीरियडाइजेशन, और वो प्रॉब्लम क्या थी वो भी मैंने आपको बताया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम सम इंडियन हिस्टोरियंस वर रेफर्ड द ब्रिटिश पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। अब ये कॉलोनियल क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल, वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश केम इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स जो थे दे केम इन इंडिया फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए वो भारत में आए थे। और इसीलिए उस टाइम जो इंडिया का राजा था तो उसने ही गेव परमिशन फॉर ट्रेड, तो जो राजा था उसने व्यापार के लिए एक तरह से परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास। हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, व्यापार करने के लिए आए, यहाँ पर आए, रहे, व्यापार किया इंडिया में, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, हमारे जो लोकल नवाब्स थे, मतलब एक प्रॉपर जगह का एक नवाब हुआ करता था। जैसे आज हम अगर प्रेजेंट में बात करें तो हमारे पूरे देश का किंग कौन है, पीएम या जो प्रधानमंत्री होता है वो, और जो लोकल नवाब हुए वो उन्हें क्या हम बोलेंगे, जैसे हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर जो होता है तो वो लोकल नवाब, एक प्रॉपर स्टेट का जो राजा होता है वो। तो उसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे पहले लोकल नवाब्स को जीतना स्टार्ट किया, उन्हें हराना स्टार्ट किया, उनको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो राजा हुआ करते थे उनको भी धीरे धीरे हरा दिया, उन पर जीत हासिल कर ली। आफ्टर दैट दे एस्टैब्लिश देयर रूल, फिर उसके बाद इन लोगों को हराने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना रूल जो था, अपना शासन था, वो इंडिया में इस्टैब्लिश कर लिया। इसकी वजह से अपना रूल, उनका रूल इस्टैब्लिश हो गया इंडिया में। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड सब्जुकेटिंग द लोकल इस्टैब्लिश्ड, कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब इसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी चीज़ें थी, जितने भी एक तरह से लोकल जगहों के जो लोग थे, जो इकोनॉमी थी, जो सोसाइटी थी, उसको सब्जुकेट करना स्टार्ट कर दिया। सब्जुकेट यानी अपने अधीन कर लेना, सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर उनका कंट्रोल हो गया। इसके बाद दे ब्रोट द चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ थे वो कई सारे चेंजेस लेकर आए, हमारे जो वैल्यूज़ थे, हमारे जो टेस्ट थे। पहले हम लोग जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो हम लोग कैसा भोजन खाते थे, सात्विक भोजन खाते थे, हम नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो देवर एट नॉन वेज फूड और चिकन एंड समथिंग लाइक दैट, तो इस वजह से वो चीज़ स्टार्ट हो गई। इसके बाद जो हमारे कस्टम्स थे, जो हमारी परंपरा थी, रीति रिवाज थे, उसको, उसमें चेंजेस आए। इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस थे उनमें चेंजेस आए। तो इस तरह से उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। कपड़े पहनने का जो तरीका था, पहले हमारे देश के जो लोग थे दे वेयर धोती कुर्ता, मेंस वेयर धोती कुर्ता एंड वुमेंस वर वेयर सारीज एंड दीज ऑल द इंडियन ड्रेसेस। बट वैन दे द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया दे ब्रॉट सम चेंजेस इवन इन क्लोथ्स एंड फूड्स एवरीथिंग। तो इस वजह से कुछ बहुत सारे चेंजेस आए हमारे इंडिया में, इंडिया के कल्चर में। और इसी वजह से वी कैन से दैट कॉलोनाइज्ड इंडिया। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने मॉडर्न, या एक तरह से बोले ब्रिटिश, जो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया कि ब्रिटिश पीरियड, तो उसको इंडियन हिस्टोरियंस ने किस चीज़ से रेफर किया, दे रेफर्ड द ब्रिटिश पीरियड एज कॉलोनियल
पीरियड, इसी वजह से, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को क्या कर लिया था, अपनी कॉलोनी बना लिया था, और यहाँ पर मोस्टली सारा जो राज था वो ब्रिटिशर्स का ही चलता था। तो हमारे लिए तो कोई चेंजेस नहीं थे उस टाइम, जो ब्रिटिश पीरियड था, तो उस टाइम पर सारे जो चेंजेस थे वो कौन कर रहा था, अंग्रेज़ कर रहे थे, और उन्हीं के लिए चेंजेस थे, हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे लिए तो बेकार ही हो रहा था एक तरह से उस टाइम के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो कस्टम्स थे, जो टेस्ट थे, वो हमारे अलग थे और उन लोगों के अलग थे। तो उनकी अंग्रेज़ों की वजह से उन सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे थे, तो जिस वजह से हमारे देश के लोगों के लिए एक तरह से कोई मायने नहीं थे ब्रिटिश पीरियड के, और इसी वजह से जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं दे रेफर्ड ब्रिटिश पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। अब हम कह सकते हैं कि जो इंडिया था वो कॉलोनाइज्ड इंडिया था, ठीक है, कैसे, द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल कल्चरल चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनाइज्ड या कॉलोनाइजेशन, जब एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के लोगों के द्वारा या किसी दूसरी कंट्री के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सब्जुगेट कर लिया जाता है, यानी अपने अधीन कर लिया जाता है, और उस कंट्री के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मामलों में, इकोनॉमिकल मामलों में, सोशल मामलों में, कल्चरल मामलों में, सारी चीज़ों में चेंजेस ला दिए जाते हैं, तो ये जो प्रोसेसेस है दिस इज़ कॉल्ड कॉलोनाइजेशन।